4,500 से ऊपर मुसलमान औरतें अकेले हज पे जा रही हैं, ठीक है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने भारत की सरकार को ये पूरा पूरा प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि ये जो महिलाएं अकेले, ये जो खवातीन अकेले हज पर आ रही हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनकी पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरबिया का जो सरकार है वो करेगा। ये वही ब्रिटिश हैं जिनको हिंदुस्तान के वीरों वीरों को उनकी गुलामी करके उनके उनकी बातें सुननी पड़ती थी, और आज ये वही लोग हैं जो हमारे भारत। आपने शायद ये न्यूज तो सुनी होगी कि यूएसए ने यूएसए क्या ये क्लेम किया गया है, इंटरनेशनल मीडिया ने एक आर्टिकल पास हुआ जिसमें लिखा गया कि यूएसए के नए बेस्ट फ्रेंड से मिलिए, और वो और कोई नहीं वो इंडिया था। और मैं ये देख के शॉक्ड हो गई कि यूएसए कल तक हमारा दोस्त था, जब यूएसए के अंडर हम अभी भी है, यूएसए के अंडर ही है, बट कल तक हम देखते थे कि यूएसए जो कि हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था, मगर अब जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, यूएसए के सैंक्शंस हमसे हटते ही नहीं और नरेंद्र मोदी से दोस्तियां खत्म नहीं होती। अभी हम लोगों ने रिसेंट एक वीडियो देखी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, जहां पर जो बाइडन खुद आके नरेंद्र मोदी से मिले थे, तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग था कि जो बाइडन जो कि हमारे सर पे हमेशा मुसल्लत रहते हैं और वो नरेंद्र मोदी से आके मिले हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि यूएसए इंडिया को आज फ्रेंडली अपना दोस्त क्यों कंसीडर कर रहा है, क्या बेनिफिट्स के लिए या फिर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के तहत? सबसे पहले तो मैं आपका पहला जवाब दे दूं कि पहले पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के पास था, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके पाकिस्तान के तमाम लोगों को, और खास करके जो आपके पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि चांट करके और मक्खनबाजी करके और तलवे में तेल लगा करके दोस्ती कभी नहीं होती है। ऐसे ऐसे पालतू कुत्तों को पालना बहुत छोटी सी बात होती है, और बड़े लोग तो पालते ही हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त थे, दोस्त नहीं थे। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म इंडस्ट्री रहा है और उनका माइंडसेट वही है। अपने पाकिस्तान के सारे नेता मंत्रियों को चलाने के लिए और टेररिस्टों को रोटी और बोटी देने के लिए उनको कुछ लोग, बड़े बड़े कंट्रीज का तलवा चाटने की जरूरत पड़ती है इकोनॉमिकल फायदे के लिए, जिसके लिए वो चाट रहे थे। अब आती है बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बहुत छोटे से और गरीब से घर से आते हैं, जो बहुत ट्रोल हुए थे चाय वाला के नाम से, और सबसे ज्यादा इन कमबख्त मनहूस नहसों पाकिस्तान के नेता मंत्रियों ने सबसे ज्यादा ट्रोल और मीम का बनाया था, जिसमें देखिए हिंदुस्तान के भी मुसलमानों ने बहुत सपोर्ट किया था इस ट्रोल और मीम को, और हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रखी है आज तक, जिसको तो हम घर में घुस घुस करके निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं कानूनी दायरे के तरीके से। तो आज वो चाय वाला, आज वो गरीब का बेटा, आज वो जो धूप की तपश को देखा है, जो पेट की भूख को देखा है, आज एक गरीब माँ का बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री ही सिर्फ नहीं है, इस पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकता हुआ वो सितारा है, वो चांद है जिसके साथ सब कोई बैठना चाहता है। कांग्रेस की मीटिंग, आप सोचो कौन 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 हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को एड्रेस किए हैं। आपको पता है 21 से 24 तक का जो ये विजिट है, उसमें जैसे ही एयर इंडिया से उतरेंगे हमारे प्रधानमंत्री, वैसे ही वहां पर उनका जैसे 21 तोपों की सलामी होती है ना, वैसी सलामी और वैसा स्वागत होने वाला है। वॉशिंगटन में जा करके वो इंडियन अमेरिकन को वो एड्रेस करेंगे। जो बिडेन की वाइफ जो जिल बिडेन है, उनके साथ उनका डिनर फिक्स हुआ है, और वो भी जिल बिडेन ने उनको इनवाइट किया है। द इकोनॉमिस्ट जैसे ग्लोबल न्यूज न्यूज में ये कहा जा रहा है कि जो बिडेन के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जा रहे हैं, कौन? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। सोचिए हिंदुस्तानियों का सीना कितना चौड़ा हो रहा होगा कि ये वही ब्रिटिश है जिनकी कभी ये हिंदुस्तान जो है वो गुलामी किया करता था। ये वही ब्रिटिश है जिनको हिंदुस्तान के वीरों वीरों को उनकी गुलामी करके
उनके उनकी बातें सुननी पड़ती थी, और आज ये वही लोग हैं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बुला करके 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं और उनको उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। आप सोचो कि ये चीज आज पूरे चैनल पर दिखाई जा रही है, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज में चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के बिना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके जो इकोनॉमिकल जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे बिना मोदी जी के, बिना भारत के साथ दोस्ती किए। आप सोचो कि एक ऐसा इंसान जो गुजरात के एक छोटे से घर से, गरीब घर से आया है और भारत का प्रधानमंत्री बना है, और करोड़ों मुसलमानों ने जिसको बहुत ज्यादा हर्ट किया, इमोशनली हर्ट किया है, मेंटली हर्ट किया है, लेकिन आज वो मुसलमानों के लिए भी बिना कास्ट और क्रीड को सामने रखे हिंदुस्तान की हर एक जनता को अपना परिवार मान करके ये भारत का प्रधानमंत्री हर एक घर में योजनाएं पहुंचा रहा है। क्या वो योजनाओं को कोई अस्वीकार कर सकता है, कोई इनकार कर सकता है? तो ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी नजर में कोई जलन, हसद, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इंडिया अब तो G7 का भी पार्ट होने जा रहा है। G20 तो हमारे पास है ही है, हम G7 के भी पार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि यूएस को के जो जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज थे, कनाडा बोल लीजिए, बाकी आप बहुत सारे कंट्रीज को बोल लीजिए, अब वो इतने स्ट्रांग और इतने वैल्यूबल नहीं रहे हैं जो अमेरिका की सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं या अमेरिका को वो बैकबोन की तरह सपोर्ट कर सकते हैं। और G7 में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पार्ट होगा, हिंदुस्तान का बहुत वैल्यूबल मुकाम होगा, और G7 में हिंदुस्तान को अलाइज करने के बाद ये साबित हो जाएगा कि अमेरिका बिना हिंदुस्तान के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही मैम, यहाँ पर मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ। कल ही एक मैंने शॉर्ट देखा वीडियो जिसमें फ्रांस के मुस्लिम्स जो थे वो मतलब नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे थे और हाथ मिलाकर उनको एक तो इंडिया का झंडा भी पकड़ा हुआ था उन्होंने, और दूसरा ये कि उनको बुके दे रहे थे और कह रहे थे कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका हम तहे दिल से फ्रांस के अंदर वेलकम करते हैं। तो जब मैंने ये पब्लिक रिव्यूज दिए, पब्लिक से पूछा पाकिस्तानी, तो उन्होंने कहा बोहड़ा, हम तो उन्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे मुस्लिम्स को तो वैसे भी खत्म कर देना चाहिए जो कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर्स को मुबारक दे रहे हैं या वेलकम कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि सिर्फ फ्रांस में या फिर जगह जगह जहां पे मुस्लिम्स हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम्स में मेजोरिटी नहीं करती, वाई, क्यों? देखिए 1930 से लेकर के 2023 तक मुसलमानों ने अपने दिमाग में ये चीज अटा कर रखी है कि अगर बहुत ज्यादा एडुकेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की गलियों में और महिलाएं पढ़ लेंगी, मुसलमान के दिमाग में अगर शिक्षा आ जाएगी, तो ये जो हदीस का जो फतवा है ना, ये जो झूठ लूच जो झुट्टा लुच्चा जो स्टोरी है ना, ये लोग फैला नहीं पाएंगे और स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। आप, मैं और एक बात आपको कहना चाहती हूँ, नहस और मनहूस है वो मुसलमान हिंदुस्तान के जो इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट, डीजीपी ग्रोथ और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का सारा लाभ तो उठा रहे हैं पर मुंह से सिर्फ और सिर्फ सांप की तरह जहर उगलते हैं। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बड़बोल आज से नहीं है, वो जिन्ना पगला के जमाने से है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे एंटी नेशनल मुसलमान को भर दबोच करके जेल की सलाखों में डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा। जो भी हमारे हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान की आबो हवा में रह करके, हिंदुस्तान की थाली में खा करके, हिंदुस्तान में अपनी बहू बेटियों को इज्जत से रख करके अगर हिंदुस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा और हिंदुस्तान की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, एंटी नेशनल स्टेटमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान बोलेगा बड़ी बड़ी बोली और हम बैठे बैठ करके यहाँ पर हम सुनेंगे, वो जमाना लद गया,
वो जमाना चला गया, वो मौन व्रत की सरकार जो 9 साल पहले थी ना, तब हिंदुस्तानी की नजरें झुकी हुई थी। आज ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के का स्मार्ट इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, नया इंडिया है। यहाँ महिलाओं को आवाज दी गई है, प्लेटफॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि अगर तुम मुस्लिम हो तो मुसलमान के हिसाब से तुम बात कर सकती हो। एक अफवाह उड़ी थी कि अगर राम मंदिर बन गया हिंदुस्तान में तो सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा, सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा भाई। अब तो बात ऐसी आ गई है कि मुस्लिम कंट्री दुबई में एक इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है जितना बड़ा मंदिर इस पूरी दुनिया में नहीं है। अब बात आती है कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन पहले, 8 दिन पहले चले जाइए, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान के साथ एक टाइप किया कि जितनी भी मुसलमान औरतें हैं जो अकेले हज पर जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। 4,500 से ऊपर मुसलमान औरतें अकेले हज पे जा रही हैं, ठीक है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने भारत की सरकार को ये पूरा पूरा प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि ये जो महिलाएं अकेले, ये जो खवातीन अकेले हज पर आ रही हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनकी पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरबिया का जो सरकार है वो करेगा, इनको जहां जहां पर भी जरूरत होगी किसी चीज की हम खड़े रहेंगे। वो भारत का प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बच्चियों के पैर को खुद अपने हाथ से धोता है, वो भारत का प्रधानमंत्री जो मन की बात करता है अपने अपने भारत के तमाम लोगों के साथ, डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है, उनके दिल में उनके दिमाग में घर बनाता है, वो भारत का प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता को जनता नहीं अपना परिवार समझता है। मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान के टर्की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और मैं पूछना चाहती हूँ अभी मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उन्होंने कभी भी अपनी जनता से इंटरैक्ट करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने अपनी अपने अपने पाकिस्तान की खवातीन को, औरतों को, महिलाओं को कभी इज्जत देने की कोशिश की है? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी पाकिस्तान की बच्चियों के लिए, एडुकेशन के लिए उन्होंने कोई एक ऐसा फतवा जारी किया है कि हर लड़की को हायर सेकेंडरी तक पढ़ना पड़ेगा तभी निकाह होगा, अदरवाइज निकाह नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा? बिल्कुल सही मैम। मुझे ये बताइएगा, मेरी पिछली 2 वीडियोस के अंदर, बल्कि 3 वीडियोस के अंदर आप हमेशा कुछ ना कुछ लेके आई है पाकिस्तान को देने के लिए, आज कुछ लेके आई है? आज मैं लेकर आई हूँ ना, बहुत खूबसूरत चीज लेकर के आई हूँ। ये क्या है? पेन? शिक्षा, कुरान का पहला वर्ड इकरा। बहुत कुरान का पहला वर्ड इकरा, शिक्षित हो जाओ, क्योंकि जिस दिन मुसलमान शिक्षित हो गया ना उस दिन सिर्फ तरक्की पसंद करेगा। इस ये लेकर आई हूँ मैं कलम। चला मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के लोगों की सोच बदल जाए और अमन, अमन तो बहुत है, मैं ये कहती हूँ अमन है, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे होते हैं।